हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, राशन कार्ड बनाने का कल आखिरी दिन है। केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी है, पंडरी थाने के पीछे तक ये कतार पहुंच चुकी है। बता दें कल आखिरी दिन है और इसी को लेकर के बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें यहां पर साफ तौर से देखी जा रही है। कल आखिरी दिन है राशन कार्ड बनाने का, केंद्रों पर महिलाओं की बड़ी संख्या में कतार दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, रायपुर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पंडरी थाने के पीछे तक ये कतार पहुंच चुकी है। कल आखिरी दिन, उससे पहले महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए और लंबी लंबी कतारें केंद्रों पर नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कल आखिरी दिन है राशन कार्ड बनवाने का और केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें महिलाओं की हम देख रहे हैं। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हैं और क्या लगता है, ये तारीख और आगे बढ़ाई जा सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बना था और सामने लोकसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले मैं आपको पंडरी थाने की तस्वीरें दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और कई महिलाएं जो है उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जमीन में जो है वो बैठी हुई हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रही हैं। छोटे बच्चों को लेकर भी आई हुई हैं और दूर दूर तक, अभी अगर हम बात करें तो कोई छाँव वो ढूंढ रही है और चूंकि कल आखिरी तारीख है और इसलिए वो यहाँ पर कतार लगाकर खड़ी हुई हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए कैसे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं और छोटे बच्चे को लेकर आप आई हुई यहाँ पे जी, किस राशन कार्ड बनवाने के लिए जी? कब से आए हैं? एक बजे से आए हैं जी। और अभी पारी नहीं आई है? नहीं, शाम हो जाएगी। कब से आए दाई? अभी यहाँ बेटी, यहाँ आ रहा हूँ पार्सल लेकर। अच्छा, तो ये आप देखेंगे और इस तरफ आप देखिए कि किस तरह से कतारें लगी हुई हैं, छोटे बच्चे को लेकर भी पहुंची हैं। आप कितने बजे से आए हैं? 12 बजे से आए हैं। बच्चे लेके परेशान कर दिए, और क्या जी, काफी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। परेशानी था ये मैडम, जब तक ना मिल जाए। आप लोग कितने बजे से आए हैं? 10 बजे से नंबर लगा के खड़ी, अभी तक नहीं आया है। नंबर नहीं आया आपका, क्या बोल रहे हैं? आएगा बोल रहे हैं, देख रहे हैं, उसी के लिए बैठे हैं। लेकिन अभी तक आया नहीं है। सड़क के उस पार तक के महिलाएं दिखाई दे रही थी। बहुत भीड़, 10 बजे का आए हैं ना, बाजे मिल जाए करके हम रुके हैं। हम हाँ, खबर कल आखिरी तारीख है, अब कल भी दी ही दे पर इसे। हाँ, तो आज मतलब आ गए तो हमारे साथ में लेके जाबो करके हम रुके हैं 10 बजे। तारीख बढ़नी चाहिए, आपको लगता है कि तारीख बढ़नी चाहिए? हाँ, तारीख बढ़ना चाहिए मैडम, भीड़ बहुत है, बहुत लोग का बनना बाकी है। अभी 10 बजे से आए हैं, कोई खा के आए हैं, कोई बिना खाए हैं, सब ऐसे खड़े हुए हैं मैम यहाँ। इसके पहले भी कोशिश किए थे क्या? अरे आज तो तारीख बोला है तो काम छुट्टी करके हम लोग अभी देख का 420 छोड़ के यहाँ बस बैठे हैं। क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग काम करता हूँ। आज क्या बोला? आज का नाम लिया है इन लोग, कल हड़ताल है बोला है। काम छोड़ के आए हैं आप? काम छोड़ के आए हैं तो रोजी कटेगी आपकी? अच्छा, रोजी काट के रोजी मिस को देंगे इसके लिए मोदी सरकार को? तो यहाँ पर काफी लंबी कतारें लग रही सर, आज आखिरी तारीख है। आज आखिरी तारीख है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं क्या बोलूँ मैडम, बताइए ना क्या बताऊँ? बहुत लंबी कतार है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आधे घंटे का लंच को मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ और नियमित बैठा हूँ मैं, 1 मिनट को यहाँ से नहीं उठ रहा हूँ। पब्लिक से पूछा जा सकता है, आपको दोष नहीं दे रहे हैं, मतलब ये कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही है, ये कह रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम, अपना काम मैं कर सकता हूँ। पूछ रहे हैं कि बड़ी संख्या में आ रही कि नहीं महिलाएं? पर्याप्त आ रहा है, वो लगातार लगा हुआ है। उनका कहना है कि सुबह से वो लगातार लगे और कंटिन्यू जो है राशन कार्ड बना रहे हैं, लेकिन जो संख्या है वो काफी बड़ी है और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो काफी सियासत भी हुई थी कि बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड जो है वो नहीं बन पाए हैं। नवीनीकरण को लेकर भी बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा था। ये बताइए कैसे आए हैं? मैं 10 बजे से आया हूँ ना, मैं 10 बजे से। हाँ, खाना वगैरह खा के आए थे? अब सुबह नाश्ता करके आया, उसके बाद तो लंच नहीं किए। हाँ, पानी वानी की व्यवस्था नहीं? पानी भी की नहीं व्यवस्था नहीं, कम से कम एक हाथ में थोड़ा सा पानी रख देना चाहिए ना। पार्षद को व्यवस्था करवानी चाहिए आपको? हाँ, पार्षद व्यवस्था करवा रखना चाहिए पानी। इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं? काफी देर से खड़ी है, तकलीफ हो रही, कमर पे हाथ रख के दर्द है ना, पैर में बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है। 2 बजे से आए हैं? 2 बजे से आप लोग आए हैं। आप इस तरफ से देखिए कि महिलाएं जो है जहाँ पे उनको लगता है बैठने का जगह नहीं है, पानी के लिए बोल रही हो, पानी पिएंगे तो बैठने का तो जगह मिलना चाहिए,
बैठने के लिए तो अभी तो जगह नहीं है, आसपास वॉशरूम वगैरह भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते ना, खुला कहाँ जाएंगे बताओ, सुविधा कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जोन दफ्तर है और 9 बजे से आए हैं मैडम, पानी वानी के कुछ भी है वो है ना, चेहरे से वो दर्द दिखाई दे रहा है मतलब। तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो गिट्टी पड़ी हुई है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं भी बैठने मिल जाए तो बैठ जाएं। आप बैठिए यहाँ पे, खड़े थे अभी तक के? नहीं मैं यहाँ, हम चार लोगों ने पकड़ लिए थे जगह। भैया 12 बजे से आएंगे तो कहीं ना कहीं बैठने की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं? नंबर नहीं अभी तक नहीं है, अभी बैठे अभी और 1 घंटा है, अभी 1 घंटा और है बैठे, कल आखिरी तारीख है। अच्छा इंतजार कर रहे थे आप लोग क्या कि वो एक अमूमन होता है कि हाँ हाँ अब आखिरी तारीख तो है तब चले जाएंगे कि पहले? नहीं हमने हमने बोले अभी बनाएंगे, बाद में बनाना ही पड़ेगा तो चलो अभी चलो अभी बना लेते, बाद में और धूप हो जाती, परेशानी हमको दे, खाना नहीं खाया, नाश्ता करके हम आ गए, हो जाएगा। इस तरह की भीड़ थी क्या? नहीं हम तो आज पहली बार आए ना तो पता नहीं। ये भैया आप एकदम चढ़ के बैठे हुए हैं? 12:30 बजे। 12:30 बजे से जी। टेबल बढ़ाना चाहिए मैडम, टेबल बढ़ाना चाहिए, आज एक टेबल लगा है तो उसको टेबल वाला पार्टी को टेबल कोई नियम कोई बात पब्लिक नहीं देख नहीं पब्लिक देख के यहाँ पे आराम का खाने वाला यहाँ निगम का पब्लिक इतनी देख रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे टेबल को बढ़ाएंगे तो काम जल्दी निपटेगा और ये लोग जो परेशान हो रहे हैं उससे परेशानी कम होगी। आज सुबह हाँ कर्मचारी भी बढ़ाना चाहिए। हो गया भैया बता दिए आप, आप ये बताइए कैसे क्या परेशानी हो रही है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, टिक के आप खड़े हुए हैं, मुश्किल हो रही है तो वैसे करोगे शायद, होना तो पड़ेगा कार्ड जमा किए तो होना ही पड़ेगा जी। हम 12 बजे से हम लोग खड़े हैं बैठे हैं, इनकी पोजीशन देखिए, खड़े हैं 12 बजे से खड़े हैं, जमा किए 9 बजे, 12 बजे आके बैठे हैं, तब से बैठे हैं 12 बजे से। अब आप ये सोचिए कि ये यहाँ पर अगर आपको करीबन 12 बजे से बैठे हुए 4 घंटे आपको इस तरह से बैठना पड़े या बीच बीच में खड़ा हो तो तकलीफ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी उम्र के हिसाब से भी आप देखें तो टेबल बढ़ाने की जरूरत है, वो कह रहे हैं कर्मचारी बढ़ाने चाहिए आप। हाँ मैडम कम से कम 3-4 काउंटर बनने से है जी, मेरा 71 ईयर के हैं, 71 साल के हैं। और कितने बजे से आप आए हुए हैं? मैं गर्मी 11 बजे आया। 11 बजे से आप आए हुए हैं तो 71 साल की उम्र में अपनी चुनौतियां होती हैं। जी ठीक ममता बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी को साझा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और आइए इस वक्त आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं खरगोन से, मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं, सीएम